Hello students, class 7. Today we'll read our chapter number 1 in geography, that is our environment. Means हमारा पर्यावरण. We live on earth in different types of surroundings. हमारी अर्थ पर हम अलग अलग तरह के environment में रह रहे हैं. These surrounding, अब surrounding का मतलब क्या है? हमारे चारों तरफ जो भी हम देख रहे हैं. Okay? These surroundings make our environment. अभी हमारे चारों तरफ जो भी surroundings है, हमारे चारों तरफ जो भी है, वो क्या बना रहे हैं? हमारा environment बना रहे हैं. We eat, breathe, grow, reproduce and then die. हम खाते हैं, सांस लेते हैं, बड़े होते हैं, reproduce करते हैं और फिर मर जाते हैं. The next generation comes and the process goes on. अगली generation आती है, अगली पीढ़ी आती है और ये process चलता रहता है. एंड द ह्यूमन रेस फ्लरिशिज ऑन अर्थ, और इस तरह अर्थ पर ह्यूमन का जो सर्वाइवल है वो कंटिन्यूस बना रहता है. ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन द अर्थ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेवरल फेवरेबल फैक्टर्स विच सराउंड द लिविंग थिंग्स. अभी इस अर्थ पर बहुत सारी तरह की लाइफ एग्जिस्ट करती हैं. केवल ह्यूमन बींग की लाइफ थोड़ी ना है, केवल प्लांट्स की भी है, ट्रीज है, डिफरेंट एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स आर देयर. तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं हमारी अर्थ पर जो क्या करते हैं, हमारे सराउंडिंग, हमारी जो लाइफ, जितनी भी टाइप्स की लाइफ है अर्थ पर एग्जिस्ट कर रही हैं, उनको फेवरेबल कंडीशंस अवेलेबल कराते हैं. इसी वजह से क्या होता है, अर्थ इज अ यूनिक प्लेनेट दैट एग्जिस्ट लाइफ. द टर्म एनवायरनमेंट रेफर्स टू ऑल द एक्सटर्नल कंडीशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स. अब जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? वो एक्सटर्नल कंडीशन जो कि किसी ऑर्गेनिज्म को लिव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए जरूरी होती हैं, उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं. इट कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एनवायरनर विच मीन्स टू सराउंड. और ये एनवायरनमेंट वर्ड किससे बना है? एक फ्रेंच वर्ड एनवायरन से बना है जिसका मतलब क्या है? हमारा सराउंड. इट इज यूज टू डिस्क्राइब एवरीथिंग सच एज प्लेसेस, थिंग्स, पीपल, नेचर. और ये जो वर्ड है, ये सब कुछ हमें डिस्क्राइब करता है, हमें उसका डिटेल बताता है, जैसे प्लेसेस यानी जगह, स्थान, थिंग्स, पीपल, नेचर एटसेट्रा. इट ऑल्सो इंक्लूड थिंग्स क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स. इसमें वो सब चीज़ें भी आती हैं जो कि ह्यूमन बींग ने क्रिएट की हैं, बनाई हैं. ज्योग्राफी इज ऑफन थॉट टू बी द स्टडी ऑफ द अर्थ सर्फेस अलॉन. ज्योग्राफी को अक्सर समझा जाता है कि केवल ही अर्थ की सर्फेस का स्टडी है, अध्ययन है. हावेवर इट इज मच मोर देन इट. लेकिन ये इससे भी कहीं ज्यादा है. इट ब्रिंग्स टुगेदर फिजिकल एंड ह्यूमन मेड डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड. इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंदर फिजिकल एनवायरनमेंट भी है, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, ये सारे डायमेंशंस जितने भी है, मतलब हमारी अर्थ पर हमें जो चाहिए एक लिविंग बींग को एग्जिस्ट करने के लिए, जो भी चीजें चाहिए वो सब इसके अंदर स्टडी की जाती है. एंड ज्योग्राफी स्टडीज प्लेसेस, पीपल एंड एनवायरनमेंट. और ऑल्सो एनवायरनमेंट इज द सम ऑफ ऑल कंडीशन दैट सराउंड एंड इन्फ्लुएंस अ ह्यूमन बींग एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एंड स्पेस. इसके अलावा एनवायरनमेंट क्या है, उन सभी चीजों का एक सम है. जो भी मैं स्टडी कर रहे हैं ना, उन सभी स्टडीज का एक सम है, टोटल है, किसी पर्टिकुलर टाइम में, पर्टिकुलर स्पेस पर किसी भी ह्यूमन बीइंग को इन्फ्लुएंस करने वाले, उसके चारों तरफ जितने भी फैक्टर्स हैं, जो भी कंडीशंस हैं, किसी लिविंग बीइंग के सर्वाइवल के लिए जो भी कंडीशंस हैं, उन सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं, एनवायरमेंट कहते हैं. एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द नेचुरल एनवायरमेंट एंड द ह्यूमन मेड एनवायरमेंट. तो एनवायरनमेंट दो तरह का है जो हम पढ़ेंगे, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड, मीन्स आर्टिफिशियल. अमेजिंग फैक्ट, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून एवरी ईयर टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द एनवायरनमेंट. हर साल हमारे वर्ल्ड में जो 5 जून है उसको हम क्या मनाते हैं, एज अ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं. और इसका मेन पर्पज क्या है, लोगों में एनवायरनमेंट के लिए अवेयरनेस फैलाना, लोगों को जागरूक करना. चलिए अब आते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पर. फर्स्ट टाइप ऑफ अवर एनवायरनमेंट दैट इज नेचुरल एनवायरनमेंट. नेचुरल मीन्स दैट वी टेक फ्रॉम नेचर, या नेचर से हमें जो मिलता है या नेचर ने हमें जो दिया है वो क्या होता है, नेचुरल होता है. द एनवायरनमेंट जो कि नेचर ने हमें दिया है
उसको हम नेचुरल एनवायरनमेंट कहते हैं। द इमीडिएट नेचुरल सराउंडिंग और द कंडीशंस इन विच लिविंग बींग एग्जिस्ट एंड डेवलप देयर कैरेक्टरिस्टिक्स मेक द नेचुरल एनवायरनमेंट। तो वो सब सराउंडिंग्स हमारे चारों तरफ, वो नेचुरल सराउंडिंग, वो कंडीशंस जो किसी भी लिविंग बींग को एग्जिस्ट करने के लिए, डेवलप करने के लिए, या उसके अंदर डिफरेंट स्पेशलिटीज कैरेक्टर्स डेवलप करने के लिए चाहिए होती हैं, उसको हम नेचुरल एनवायरनमेंट कहते हैं। द नेचुरल एनवायरनमेंट हैज टू कंपोनेंट्स। अब नेचुरल एनवायरनमेंट के भी दो कंपोनेंट हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक। एज वी डिस्कस्ड अर्लियर इन द क्लास की बायोटिक मींस लिविंग बींग्स एंड नॉन बायोटिक मींस एबायोटिक, नॉन बायोटिक एक ही बात है, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स। नाउ यू कैन सी हियर नेचुरल एनवायरनमेंट, यू कैन सी वाटर, ट्रीज, एयर, एवरीथिंग इज हियर। तो बायोटिक का मतलब द एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल लिविंग थिंग्स इन एन इकोसिस्टम। एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल लिविंग थिंग्स इन एन इकोसिस्टम। किसी भी एनवायरनमेंट में, यानी कि जो बायोटिक एनवायरनमेंट है, उसके अंदर इकोसिस्टम के जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो आते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड द एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में कौन कौन से लिविंग बींग्स आएंगे? एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं ये हम सबको पता है, दैट वी कांट सी थ्रू आवर नेक्ड आईज। यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है। नाउ एबायोटिक एनवायरनमेंट, दिस रेफर्स टू ऑल नॉन लिविंग थिंग्स इन एन इकोसिस्टम। यानी अब इकोसिस्टम में जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो सब एबायोटिक एनवायरनमेंट में आती हैं, जैसे लैंड, एयर, वाटर एटसेट्रा। द लैंड ऑन विच वी लिव इज नॉट अ मैन मेड थिंग। जिस लैंड पर हम रहते हैं वो मैन मेड नहीं है, बट इट हैज बीन क्रिएटेड थ्रू अ नेचुरल प्रोसेस। ये लैंड एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू क्रिएट हुई है। सिमिलरली एयर, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एटसेट्रा ऑल्सो अकर नेचुरली हेयर। इसी तरह एयर है, वाटर है, नेचुरल वेजिटेशन है, ये सब हमारे नेचर में जो प्रेजेंट है एक नेचुरल प्रोसेस से बने हैं। और ये नेचुरल प्रोसेस कौन सा है? जब अर्थ बनी थी उस समय का जो प्रोसेस था कि अर्थ कैसे बनी, उसके ऊपर सारी चीजें कैसे आई। हेयर द लैंड रेफर्स टू द लिथोस्फीयर। अब यहाँ पे लैंड का मतलब क्या है? लिथोस्फीयर। वेयर वाइल एयर एंड वाटर इंडिकेट्स एटमोस्फियर एंड हाइड्रोस्फियर रेस्पेक्टिवली। तो लैंड का मतलब तो हुआ लिथोस्फीयर से, एयर का हुआ एटमोस्फियर से, और वाटर का हुआ हाइड्रोस्फियर से। तो हाइड्रो का मतलब हमेशा हम किससे लगाएंगे? वाटर से लगाएंगे। द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द मेजर पार्ट्स ऑफ द बायोस्फीयर। और जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो इस बायोस्फीयर का मेजर पार्ट है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो फोर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। कौन कौन से डोमेन्स हैं? एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, लिथोस्फियर एंड बायोस्फियर। तो इन जो एटमोस्फियर है, हाइड्रोस्फियर है, लिथोस्फियर है, इन तीनों का कुछ वो पार्ट जहां पर कि लिविंग सिस्टम है, लिविंग बींग सर्वाइव करते हैं, उसको हम बायोस्फियर कहते हैं। ये सोलर एनर्जी से चलता है। जितने भी हमारे अर्थ पर स्फीयर हैं वो सब सोलर एनर्जी से चलते हैं और हीट क्रिएट करते हैं। नाउ लेट अस स्टडी ऑल दीज फोर डोमेन्स ऑफ द अर्थ टू अंडरस्टैंड द एनवायरमेंट वेल। तो एनवायरमेंट को समझने के लिए हम इन चारों डोमेन्स को, चारों स्फीयर को अलग अलग स्टडी करना पड़ेगा। लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर इज द आउटर मोस्ट सॉलिड सरफेस लेयर ऑफ द अर्थ। लिथोस्फीयर हमारी अर्थ की सबसे आउटर सरफेस है। इट इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड द क्रस्ट, और इसको हम क्रस्ट भी कहते हैं। तो जो भी आप अपनी अर्थ पर सैंड देखते हो, मिट्टी देखते हो, है ना, ये जो अपर पार्ट है ये सब क्या है? लिथोस्फीयर है। ओके, ये देखिए, यू कैन सी डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ। द वर्ड लिथोस्फीयर इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लिथोस व्हिच मींस स्टोन्स। जो लिथोस्फीयर है वो ग्रीक वर्ड लिथोस से बना है, जिसका मतलब क्या है? स्टोन्स है। इट एक्सटेंड्स ओवर द कॉन्टिनेंट्स एज वेल एज द ओशन बेसिन्स। अबाउट 70% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द लिथोस्फीयर इज कवर्ड बाय वॉटर। अब जो लिथोस्फीयर है ये बहुत ज्यादा स्प्रेड है, जितना ये कॉन्टिनेंट्स की फॉर्म में है उतना ही ओशियन बेसिन्स की फॉर्म में है। और हमारे लिथोस्फीयर का जो 70% पार्ट है वो वाटर से कवर्ड है। द रिमेनिंग 29% इज ऑक्यूपाइड बाय लैंड।
ठीक है, यानी कि हमारी अर्थ पर 71% क्या है वाटर और 29% लैंड। द टॉप मोस्ट सर्फेस ऑफ द लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ अ वेराइटी ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स विच आर यूजफुल टू अस। लिथोस्फीयर की जो टॉप मोस्ट सर्फेस है जिस पर हम रहते हैं, इस पर बहुत सारे तरह की रॉक्स हैं, मिनरल्स हैं जो कि हमारे लिए यूजफुल हैं। लिथोस्फीयर ऑल्सो प्रोवाइड्स अस विद लैंड ऑफ वेरियस यूजेस एंड सॉइल फॉर एग्रीकल्चर। इसके अलावा लिथोस्फीयर क्या करती है, हमें रहने के लिए भी डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए हमें लैंड प्रोवाइड करती है, जिसका हम और भी कई तरीके से यूज कर सकते हैं, और इसके अलावा हम उस पर एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं सॉइल पर। द हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर इज कंपोज्ड ऑफ ऑल ऑफ द वाटर ऑन और नियर द अर्थ। अर्थ के ऊपर या आसपास जो भी वाटर है वो हाइड्रोस्फीयर में हम लेते हैं। दिस इंक्लूड द ओशंस, रिवर्स, लेक्स एंड इवन द मॉइस्चर इन द एयर। तो जिस भी फॉर्म में हमारी अर्थ पर वाटर है, चाहे वो ओशंस में हो, रिवर्स में हो, लेक्स में हो, या चाहे वो हमारी एयर में मॉइस्चर के फॉर्म में ही क्यों ना हो, ये सब क्या बनाते हैं, हाइड्रोस्फीयर। अब एयर में मॉइस्चर कैसे आता है, ये हम सबको पता है, थ्रू द प्लांट्स, है ना, जो प्लांट्स क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन, एंड थ्रू द इवेपोरेशन फ्रॉम द वॉटर बॉडीज। 97% ऑफ द अर्थ वॉटर इज इन द ओशंस। अब अर्थ पर जितना भी वाटर है उसका 97% कहाँ है, ओशंस में है। द रिमेनिंग 3% इज फ्रेश वाटर। 3/4 ऑफ द फ्रेश वाटर इज सॉलिड एंड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स। अब जो 3% बचा है वो फ्रेश वाटर है, उस फ्रेश वाटर का भी जो 3/4 है वो सॉलिड फॉर्म में है, आइस की फॉर्म में, और बाकी जो बचा 1/4 वो क्या है, हमारे लिए ड्रिंकिंग वाटर की फॉर्म में। तो इससे हमको क्या पता लगता है, वी कैन सी, वी कैन इमेजिन हाउ मच लेस वाटर फॉर ड्रिंकिंग इज ऑन अर्थ। ड्रिंकेबल वाटर इज वेरी लेस। वाटर सपोर्ट्स ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। वाटर इज फाउंड इन 3 स्टेट्स। अब क्योंकि वाटर ही क्या करता है, हमारी लाइफ की सारी जो एक्टिविटीज हैं उनका बेस है वाटर के, विदाउट तो हम लोग कुछ सोच ही नहीं सकते। तो वाटर हमारी लाइफ को सपोर्ट करता है और 3 स्टेट से मिलता है, ये हमको पता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ आइस, लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ वाटर, एंड गैस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। फ्रेश वाटर इज मेड अवेलेबल ऑन लैंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल। अब लैंड पर जो फ्रेश वाटर है वो वाटर साइकिल के थ्रू कंटिन्यू प्रोसेस में रहता है, जिससे वाटर की, फ्रेश वाटर की क्या है, स्कार्सिटी नहीं होती। हेयर यू कैन सी द वाटर साइकिल, और ये हम क्लास 3rd-4th से पढ़ते आ रहे, व्हाट इज वाटर साइकिल। ओके चलिए ठीक है, आगे आते हैं हम वापस। नाउ लर्न बाय डूइंग, लिस्ट एनी 5 ways इन विच वी कैन प्रिवेंट द वेस्टेज ऑफ वाटर। ऐसे कोई 5 तरीके हमें बताने हैं जिनसे हम वाटर की वेस्टेज रोक सकते हैं। द एटमोस्फियर, द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द एटमोस्फियर। एयर की वो लेयर जिसने हमारी अर्थ को चारों तरफ से घेर रखा है, कवर किया हुआ है, उसको हम एटमोस्फियर कहते हैं। द एटमोस्फियर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर। एटमोस्फियर में क्या क्या है, गैसेस हैं, डस्ट है, वाटर वेपर है। द वर्ड एटमोस्फियर इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटमॉस व्हिच मींस वेपर। तो ये जो वर्ड है एटमोस्फियर किससे बना है, ग्रीक वर्ड एटमॉस से बना है, और एटमॉस का मतलब होता है वेपर। द एटमोस्फियर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। एटमोस्फियर हमें सन से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है, और सन से आने वाली जो बहुत ज्यादा हीट है जो हमको नुकसान पहुंचा सकती है, उससे हमको प्रोटेक्ट करता है।